दर्शकों नमस्कार, आज मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ जन्म कुंडली के तीसरे भाव में मंगल के प्रभाव को लेकर। जन्म कुंडली का तीसरा भाव साहस, पराक्रम, मेहनत, छोटे भाई बहन का है और मंगल भी साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन का कारक ग्रह है, इसलिए जन्म कुंडली के तीसरे भाव में मंगल कारक होता है। सामान्यतः तीसरे भाव में सभी राशियों में मंगल शुभ फल ही करता है, क्योंकि ये यहाँ पर अपने कारक भाव में बैठा है। तो यहाँ पर बैठने से मंगल साहस, पराक्रम, मेहनत की वृद्धि करता है। जब तीसरे भाव में मंगल होगा तो जातक साहसी, पराक्रमी, निडर, कर्मशील होगा, अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा कर्मरत रहेगा, कर्म करता हुआ रहेगा। उसे छोटे भाई बहन का सहयोग भी मिलता है, जातक खुद भी छोटे भाई बहन का सहयोग करता है। अगर इस भाव में मंगल की दृष्टि की बात करें तो तीसरे भाव में जो मंगल है उसकी चतुर्थ दृष्टि छठे भाव पर जाएगी। अब छठे भाव में शनि, राहु, केतु, सूर्य जैसा ग्रह नहीं बैठा हुआ हो तब कोई चिंतित होने की बात नहीं है। उस स्थिति में मंगल की चतुर्थ दृष्टि जो छठे भाव पर जाएगी वो जातक को प्रबल शत्रुहंता योग बनाएगा, प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता देगा और कई बार ये अपनी खुद की राशि को या उच्च राशि को देखेगा, तब जो मैं ये फल बता रहा हूँ वो कई गुना और शुभ हो जाएगा। मंगल छठे भाव को देखेगा तो कोर्ट केस में विजयी देगा, यदि छठे भाव में कोई पाप ग्रह नहीं हो तो। मंगल की सप्तम दृष्टि की बात करें तो भाग्य स्थान पर आ जाएगी छोटी मोटी विदेश यात्रा का। जातक मेहनत से अपने भाग्य को हासिल करता है, जातक जितना मेहनत करता है उसका भाग्य उसी के अनुकूल चलता है, अपने ही क्षेत्र में होता है, अपने भाग्य को जगाने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। मंगल की अष्टम दृष्टि आ जाती है कैरियर के भाव के ऊपर, तो कैरियर के भाव के ऊपर आती है तो जातक को सेना, पुलिस, फोर्स, मिलिट्री, यानी मंगल जिन चीज़ों का कारक है, टेक्निकल का कारक है, इंजीनियरिंग का कारक है, डॉक्टर का कारक है, तो इसमें हमें और कॉम्बिनेशन को देखना होगा कि सूर्य शनि का भी टेक्निकल में योग रहता है, सूर्य का योग रहता है डॉक्टर में, तो ये सभी कॉम्बिनेशन को मिलाना होगा। और कई बार दशम भाव में मंगल यदि अपनी उच्च राशि या स्वराशि को दृष्टि देगा तो जातक की कुंडली में गवर्नमेंट जॉब के चांस ज़्यादा ही बढ़ जाएंगे। तीसरा भाव में मंगल बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाए, बहुत ज़्यादा कहने का तात्पर्य है कि मंगल जन्म कुंडली में भी नीच का हो, नवांश कुंडली में भी नीच का हो और सूक्ष्म कुंडलियां जितना भी है D1, D2, D3, D4, D7, D9, D10, D12 उन सभी कुंडलियों में, ज़्यादातर कुंडलियों में नीच का हो, पापी ग्रहों से दृष्ट, सूर्य से अस्त, मृत और पीड़ित होकर बैठे, तब कारको भावनाशकः वाली सूत्र लागू होगा। अब कारको भावनाशकः वाली सूत्र में केवल ये लागू होगा कि जातक का छोटा भाई बहन नहीं होगा, बस ये मैंने अनुभव में देखा है कि जातक का छोटा भाई बहन नहीं होता यदि बहुत ज़्यादा मंगल पीड़ित हो जाए तो। अब इसमें आपका ये भी ख्याल आ रहा होगा कि जब मैंने बताया कि तीसरे भाव में मंगल लगभग सभी राशियों में शुभ फल करता है तो यहाँ पर तो मंगल नीच का होगा, सपोज दैट वृषभ लग्न की जन्म कुंडली में, हाँ क्योंकि वृषभ लग्न में तीसरे भाव में नीच का होता है, तो उसमें आपको देखना है कि क्या मंगल वास्तव में नीच का है, नवांश में किस स्थिति में है, चंद्रमा की स्थिति क्या कहती है। शायद ही ऐसी स्थिति में ये नीच का फल देगा, क्यों, क्योंकि वृषभ लग्न में 12वें भाव का स्वामी होकर तीसरे भाव में जाएगा, 12वां भाव भी छोटी मोटी विदेश यात्रा का है, तीसरा भाव भी जन्म स्थान से दूर जाने का है, यानी जन्म स्थान से दूर आपको भेजेगा और सप्तम का लॉर्ड होकर अपने से नवम भाव में जाएगा, तो ये भी अच्छा है। यानी विवाह के बाद जातक के जीवन में मेहनत की अधिकता हो जाएगी और जब मेहनत की अधिकता होगी तो उसके जीवन में प्रगति ना हो, उसका जीवन सुखी नहीं होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तीसरा भाव में मंगल होने के बावजूद भी जातक कर्मवीर नहीं होता है, जातक हाथ पर हाथ रखकर बैठने वाला भी होता है, ये भी मैंने देखा है। क्यों कह रहा हूँ ऐसा, क्योंकि उसमें मंगल का बल देखना होगा, मंगल जन्म कुंडली में कितने बलाबल के साथ है, षडबल अष्टकबल की स्थितियाँ क्या कहती है, नवांश क्या कहती है, डिटेन क्या कहती है, तीसरे भाव का स्वामी की स्थिति क्या है, इस पर किन किन ग्रहों की दृष्टि है, ये किस ग्रह को दृष्टि दे रहा है, यानी बहुत सारी
सूक्ष्म एनालिसिस करने के लिए शर्तों को पार करना पड़ता है और तब जाकर कोई एक निष्कर्ष निकलता है कि यही होगा। बस यही आपको समझना है।